नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है ईयर ऑफ फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट सिक्स इसी सीरीज में पार्ट वन टू फाइव मैं पहले बना चुकी हूँ जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा पर अभी हम इसे शुरू करते हैं पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम तीन दोस्तों को शेयर कीजिए और कोई फीस नहीं भरनी चैनल बिल्कुल मुफ्त है, मतलब है अनुपात तो मार्क नंबर जो होता है वो किसका रेशियो होता है इनर्शिया टू इलास्टिक फोर्स इनर्शिया टू ग्रेविटी फोर्स इनर्शिया टू विस्कस फोर्स या इनर्शिया टू प्रेशर फोर्स द करेक्ट ऑप्शन इज थ्री इनर्शिया टू विस्कस फोर्स एंड वी ऑल नो दैट इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी

डिप्लेसमेंट बिटवीन इट्स फ्लो करता है तो फ्लो करता है एक लेयर के ऊपर दूसरी के ऊपर और आपस में जो लेयर है लेकिन तो और विस्किस फोर्स का जो रेशियो होता है वही होता है मार्क नंबर आंसर इज थ्री क्वेश्चन नंबर टू द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेट ऑफ फिलोसफी इन डिमेंशन इनकम फ्लो आर गिवन बाई U is 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 equal equal to to 3x 2y, V 2x minus 3y. The the vorticity in the flow flow given by. Ab incompressible flow kya hota hai? An incompressible fluid fluid or or defined as a fluid whose volume or density does not change with pressure. तो कितना भी प्रेशर अप्लाई कर ले उस फ्लो को उस फ्लूड को हम दबा नहीं सकते वो होता है इनकम्प्रेसिबल तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है अब वोटेसिटी क्या होगा इसका तो द आंसर विल बी फोर माइनस वन विदर सिटी दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन ऑफ लुविड मैकेम नॉट द बेस्ट एक्सपर्ट ऑन इट जो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही मैं उतना ही एक्सप्लेन करूँ जितना मैं कर पा रही हूँ पर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पहले तेलंगाना स्टेट में असिस्टेंट हेमाटल इंजीनियर के एग्जाम में पूछा जा चुका है दो हजार तेईस में तो चांसेस है की आपको ही पूछा जा सकता है तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे मैं अपने हिसाब से हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि सिलेबस में है। Question 3. The laminar boundary layer thickness on flat plate varies as in terms of distance x from the leading edge. Okay, so laminar flow kya hota? Hai? Pahle ye jaane. Laminar means taking place along constant streamlines, not turbulent. Smooth streamlined flow is called laminar flow. So the laminar boundary layer thickness on flat plate varies. Option 1, 1 by x. Option 2, 1 by root x. Option 3, root x. The yeah, Option 4, x square. Distance hai aang x.

तो फ्लो कब टर्बुलेंट होता है जब रेनॉल्ड्स नंबर होता है ऑप्शन वन 500 टू 800 1000 टू 1200 1500 टू 1800 या yeah, 2000 टू 2700 आंसर है फोर व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर क्रॉसस अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ 2000 एंड लाइज बिटवीन 2000 टू 2700 देन द फ्लो इज टर्बुलेंट ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप इज डिफाइंड एज क्यू

That is head developed by the pump in meters by 3 to the power 3 by 4. This is the specific speed. This is the formula. Question number 6. Draft tube is a conduit. Conduit a pipe. And if you are an engineer, you know Draft tube is a conduit. What kind of conduit? In a pumping scheme and con connects the sump and the pump impeller. In a pumping scheme and connects the air chamber with the de delivery line. In a hydroelectric scheme and connects the runner exit to the tail race.

तो वही नंबर क्योंकि वो नंबर है तो डिमेंशन लेस क्वालिटी और आंसर होगा थ्री <coughs> v देट इज विलोसिटी डिवाइड बाई स्क् रूट ऑफ g इंटू डी और g यहाँ पर है एक्सलेन रूट टू ग्रेविटी और d यहाँ पर है हाइड्रोलिक डेफ और ये सभी ये पूरा कट कुट के सिर्फ एक नंबर रह जाता है और उसका कोई डिमेंशन नहीं होता है क्वेश्चन एक द फ्लो इन रेक्टेंगुलर चैनल इज सब क्रिटिकल एक रेक्टेंगुलर चैनल है और उसका फ्लो सब क्रिटिकल है तो पहले समझे क्रिटिकल फ्लो क्या होता है से कम होता है एक्चुअल फ्लो कहते हैं सबक्रिटिकल फ्लो इज डॉमिनेटेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड बिहेव इनो और स्टेबल वे इट इज डिफाइंड एज है लेस देन वन ठीक है तो so, ये होता है सबक्रिटिकल फ्लो अब कह रहा है कि फ्लो इज अटल चैनल इज सब क्रिटिकल इफ दंट्रेक्टेड एट अ सर्टेन सेक्शन द दॉटर सर्फिस एट्रीम सेक्शन विल ड्रॉप एट डाउन स्ट्रीम सेक्शन विल सेक्शन से डाउन स्ट्रीम सेक्शन सही उत्तर होगा वन जब फ्लो ऑलरेडी सबक्रिटिकल है कि बहुत कम पानी बह रहा है और जो भी फ्लो बह रहा है वो ग्रेविटी की वजह से बह रहा है तो अगर विड्थ को भी हम कम कर देंगे तो वो और कम पानी बहेगा तो डाउन स्ट्रीम सेक्शन पे फ्लो जो है वो ड्रॉप हो जाएगा ठीक है

बिकॉज ऑफ वन नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया एनएच थ्री नाइट्रिफिकेशन मतलब two, matter, कुछ ऐसा भी ऑर्गेनिक मैटर होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है तो बी ओडी फाइव में वो नहीं uh, हो पाता है थ्री प्रेजेंस ऑफ कलर कलर की प्रेजेंस की वजह से या फोर प्रेजेंस ऑफ केमिकली डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैटर कुछ ऐसा जो की केमिकली डिग्रेडेबल है बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो टू और फोर जो सिमिलर बातें हैं

टोटल ऑर्गेनिक मैटर है टोटल ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल और आज के लिए इतना ही कोई भी डाउट है मुझे प्लीज बताइए और इफ यू एनी अदर क्वेश्चन कंसर्न या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी हैं और आपको मदद चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया आप मुझे बता दीजिए थैंक यू जय हिंद जय भारत हर रोज मैं नए वीडियोस के साथ आपको फिर मिलूंगी